सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द न्यू वीडियो। तो थंबनेल को देखकर आपको पता चल गया होगा कि हमारी वीडियो जो है, जो कि हम रियलिस्टिक वाटर ड्रॉपलेट कैसे बना सकते हैं पेपर के ऊपर, वही है जो कि हमने एक वाइट पेपर के ऊपर भी बना कर देखा है और टोन पेपर के ऊपर भी है। एक्चुअली टोन पेपर नहीं है, ये जो कार्डबोर्ड होता है ड्राइंग बुक का, उसी को मैंने यूज़ करके बनाया। सो लेट्स बिगिन द वीडियो कि हम कैसे इस तरह का क्या इफेक्ट ला सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें कि हम रियलिस्टिक वाटर ड्रॉप का इफेक्ट देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हमारी जो आउटलाइन है उसकी एक तरफ से हमें थोड़ी डार्कनेस दिखानी है। इतना होने के बाद उसके दूसरी तरफ से हमें उस ऑब्जेक्ट का जो शेडो है वो दिखाना है, और वो थोड़ा लाइट प्रेशर से करना है जिससे कि उसमें ज़्यादा डार्क वैल्यू ना आए। अब हम सिंपली से उसे ब्लेंड कर देंगे और ब्लेंडिंग स्टेम को हमें सर्कुलर मोशन में ही घुमाना है जिससे कि हमें स्मूथ और इवन शेडिंग मिले। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इतना करने से ही हमारा जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलने लग गया है। अब थोड़ी लाइट वैल्यूज दिखाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइट चारकोल का। आप अप्सरा की ग्लास मार्किंग पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही हाइलाइट दिखाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रूस्टर का बैटरी इरेजर, और सिंपली हमें डॉट लगाना है जिससे कि हमारा जो वाटर ड्रॉपले और भी रियलिस्टिक लगने लग जाएगा। अब सिमिलरली मैं पूरे प्रोसेस को रिपीट करूँगा और बाकी जो हमने आउटलाइन ड्रॉ की है उसमें भी इसी तरीके से वो इफेक्ट लाने की कोशिश करूँगा। अब कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही अब हम काम करेंगे हमारे टोन पेपर के ऊपर। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये टोन पेपर नहीं है, ड्राइंग बुक का जो कार्डबोर्ड आता है वही है, मगर रिज़ल्ट हमें सेम मिलता है जैसा कि टोन पेपर में होता है। सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर भी यूज़ करनी है। अगर बात करें हम वाइट पेपर की, तो उसमें लाइट वैल्यूज़ को अगर हम ना भी दें तो भी हमें काफ़ी हद तक सेम रिज़ल्ट मिल जाता है, इसलिए वो चीज़ ऑप्शनल होती है उसमें। और बात करें अगर इस पेपर की, तो ये पेपर थोड़ा ग्रेइश होता है, इसलिए हम इसमें लाइट वैल्यूज़ को ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। साथ ही हम इस पर बैटरीज का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए वाइट जेल पेन का यूज़ करूँगा जिससे कि हमारा जो काम है जो कि और भी रियलिस्टिक देखने को मिल जाएगा।